नागपुर के WCL कंपनी द्वारा बीते 1 दिसंबर 2019 को स्टाफ नर्स स्पर्धा परीक्षा ली गई। यह स्पर्धा परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रीडर के आधार पर ली गई, परंतु स्पर्धा परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद कंपनी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। साथ ही परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं लगाए जाने की जानकारी भी मिल रही है। वेस्टर्न कोल्डफील्ड नागपुर में बीते 1 दिसंबर 2019 को स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा ली गई। यह परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रीडर के आधार पर ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ली गई। करीब एक सप्ताह पहले 13,996 परीक्षार्थियों के लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। मैं 17 से 18 दिनों में 13,996 परीक्षार्थियों की पुस्तकों की जांच कंपनी की तरफ से की गई। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। रोल नंबर के आधार पर पास हुए कैंडिडेट की लिस्ट को ही कंपनी द्वारा उनके वेबसाइट पर डाली गई, परंतु इस प्रक्रिया में स्पर्धा परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस परीक्षा में कुछ जरूरी बातों को कंपनी द्वारा नजरअंदाज किया गया है। परीक्षा में पास हुए परीक्षार्थियों के रोल नंबर ही बताए गए हैं, परंतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में कितने मार्क्स मिले हैं इसकी जानकारी कंपनी ने अपने वेबसाइट पर नहीं बताई है, जिससे इस सिलेक्शन प्रक्रिया में सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में कैसे सुनिश्चित होगा कि कंपनी में जिन लोगों को नौकरी के लिए सिलेक्ट किया गया है उनके मार्क्स उन लोगों के मार्क्स से अधिक है जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया है। इस पर सवाल पूछने पर कंपनी का कोई भी संबंधित अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन बादल नंदोरा के साथ के देव की रिपोर्ट, वीचो विस्तास नागपुर के लिए।